देश के एंशिएंट और प्रोमिनेंट मंदिरों में से एक, एन आर्किटेक्चुरल मार्वल, द फर्स्ट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास, दिस इज सोमनाथ धाम। ये मंदिर रेजिलियंस की कहानी कहता है, भारत की कहानी कहता है। 17 बार तोड़े जाने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर का ध्वज गर्व से लहराता है। अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर के कई प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए और अब इस स्पिरिचुअल सेंटर को प्रसाद स्कीम के तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मिली है जो आने वालों के एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बनाएंगे। और आज लाभ ये हो रहा है कि इन सारी चीजों ने भारत के टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा बल दिया है। भारत की नई पीढ़ी को हमारी उन पुरातन महान परंपराओं को तरफ नए सिरे से देखने का एक आकर्षण बना है। बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया, शायद कुछ 17-18 बार तोड़ा रहेगा। आज इस मंदिर में आके इसका ये विराट रूप देख के, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की फैसिलिटीज, सच में बताऊं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। प्रसाद स्कीम के वजह से आजकल भक्तों को दर्शन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे कैंपस में बहुत सारे फैसिलिटीज है, पर मुझे सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है कि इनके पास एक फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे आके सभी टूरिस्ट तैयार हो सकते हैं, एकदम आसानी से और आराम से दर्शन हो जाता है। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, 70 साल पहले सरदार भाई पटेल का जो सपना था सोमनाथ को लेकर, उसको पूरा किया। सोमनाथ हो या अयोध्या हो, ऐसा लगता है ये हमारे भारत का, हमारी संस्कृति का एक पुनर्निर्माण है। Prime Minister Modi has also laid the foundation of a grand Parvati temple, which is right next to the main temple. In this newly renovated Somnath Dham, एक 1.5 किलोमीटर लंबा world class promenade बनाया गया है, जिसकी एक तरफ है मंदिर और दूसरी तरफ है समुद्र दर्शन। सोमनाथ मंदिर का ये ग्रैंड अवतार रिप्रेजेंट करता है इंडिया के बढ़ते आत्मविश्वास को, हमारी रीअवेकन्ड स्पिरिट।